हाय फ्रेंड्स, अगर आप हमारे वीडियो को सबसे पहले देखना चाहते हैं तो अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। पीएम मोदी को अन्ना हजारे की फटकार, कहा आपकी सरकार तानाशाह है, ना सुप्रीम कोर्ट की सुनती है ना संसद की। लोकपाल बिल को लेकर पूरे देश में तत्कालीन कांग्रेस सरकार के खिलाफ माहौल बनाने वाले सामाजिक कार्यकर्ता अन्ना हजारे ने अब मोदी सरकार के खिलाफ अनशन करने जा रहे हैं। अन्ना ने पीएम मोदी को खत लिखकर कहा है कि आपकी सरकार संस्थाओं का खात्मा कर रही है। अन्ना ने मोदी सरकार पर तानाशाही होने का आरोप लगाया है। अन्ना ने कहा है कि मोदी सरकार सुप्रीम कोर्ट जैसी संवैधानिक संस्था और लोकसभा राज्यसभा के फैसले को नहीं मानती है। मोदी सरकार देश को तानाशाही की ओर ले जा रही है। अन्ना का कहना है कि वो लोकपाल बिल को लेकर एक बार फिर 30 जनवरी से अनशन करने जा रहे हैं। हजारे ने खत में लिखा है कि आपकी सरकार देश को सच पर ले जाने वाले महापुरुषों के रास्ते से उल्ट चल रही है। आपकी सरकार देश के लोगों के साथ धोखेबाजी कर रही है। आपकी सरकार लोकपाल बिल को लेकर बार बार झूठ बोलती है। इसलिए मैं 30 जनवरी को महात्मा गांधी की पुण्यतिथि के रोज से महाराष्ट्र में अपने गांव रालिंगन सिद्ध में अनशन करने जा रहा हूं। गौरतलब है कि साल 2011 में अन्ना हजारे ने लोकपाल कानून को लेकर दिल्ली के रामलीला मैदान में बड़ा अनशन किया था, जिसके बाद आखिरकार कांग्रेस सरकार ने 2013 में लोकपाल बिल कानून बनाना पड़ा था। साल 2014 में मोदी सरकार आई, लेकिन उसने अब तक लोकपाल को नियुक्त नहीं किया है। माइंड द न्यूज रूम की रिपोर्ट। थैंक यू फॉर वॉचिंग आवर वीडियो। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक जरूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।